गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका होस्ट बफिदा सुत्ता। आज हम इस मीटिंग में वेस्टइंडीज में कैसे शुरुआत करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जब कोई वेस्टइंडीज का डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो पहला सवाल उसके दिमाग में यही आता है कि भाई वेस्टइंडीज को स्टार्ट कैसे करे, है क्या बिजनेस, राइट? तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि शुरुआत कैसे की जाए, शुरुआत कब की जाए और किसके साथ की जाए। वेस्टइंडीज में शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं, और जिसके पास एक कैपेसिटी हो कि हाँ भाई हमें कुछ करना है या वेस्टइंडीज के प्रोडक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, उसमें चाह होनी चाहिए कि भाई हाँ हम आगे कुछ करेंगे इकट्ठे एज ए टीम वर्क, हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें अपना जो दुकान है वो बदलना होता है। वेस्टइंडीज बहुत ही एक अच्छा बिजनेस है और इसका मैनेजमेंट भी हमें बहुत सपोर्ट करती है। बिजनेस को तभी स्टार्ट करना चाहिए जब उसके बारे में हमने सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है, राइट? कि हम ये बिजनेस क्या है, बिजनेस का प्लान क्या है, क्योंकि ये वही बात हो जाती है नीम हकीम खतरे जान, यानी लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। हमें बिना जानकारी हासिल किए हमें कोई भी बिजनेस, चाहे वेस्टइंडीज हो या कोई भी बिजनेस, उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कम समय में ज्यादा सफलता के लिए वेस्टइंडीज सिस्टम को फॉलो करना चाहिए हमें। सिस्टम है क्या और सिस्टम होना भी कैसा चाहिए? सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि सबके लिए बराबर हो, सबके लिए समान हो और हर कोई उसको इजीली एक्सेप्ट कर पाए, यानी कि आसानी से वो अपना सके उसको। तो इसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान में हमें यह रखना चाहिए। जैसे कि पहली बात जो ये बिजनेस के बारे में, अवॉइड बीइंग बायस अबाउट द सिस्टम, यानी कि पूर्वाग्रह से बचे। कभी भी ऐसा ना सोचिए कि आप बिना सिस्टम को फॉलो किए आप अपना जो गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, वो आप प्राप्त कर पाएंगे। आप खुद पर्सनली इतने केपेबल हो सकते हैं कि हाँ आप अपना गोल, जो भी लक्ष्य है, वो आप अचीव कर लेंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि जो आपके टीम मेंबर्स हो वो आपके तरह सक्षम हो। इसीलिए जो वेस्टइंडीज का जो सिस्टम है उसको हर एक को डुप्लीकेट करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि भाई ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, और फॉलो भी करना चाहिए। ये नहीं कि हम इसको कोई शॉर्टकट लेंगे और हमें अपना गोल यानी कि लक्ष्य जो है वो मिल जाएगा। हर कोई सेम कैपेसिटी का नहीं होता है। तो आइए जानते हैं वैश्विक सिस्टम के बारे में कि वैश्विक सिस्टम यानी कि वैश्विक प्रणाली क्या है। ये प्रणाली इस बिजनेस मॉडल का महारथियों के द्वारा ये बनाया गया हो, जो वैश्विक के जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने ये डिजाइन किया हुआ है ताकि इसमें कोई खराबी ना हो और ये सिस्टम हर कोई एक्सेप्ट कर पाए। इसमें ये सारी बात बताई जाती है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे शुरुआत की गलतियां होती है जो हमें नहीं दोहराना चाहिए। वेस्टइंडीज जो सिस्टम है ये इंश्योर करती है कि आप और आपके डाउनलाइन कभी गलती ना करें, क्योंकि जब गलती होती है तब हमें बिजनेस में हम खोट निकालने लगते हैं, जबकि गलती हमारे तरफ से होती है, हम पूरे सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। कोई भी बिजनेस ज्वाइन करने से पहले बिजनेस के बारे में हमें जानकारी निकालना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल बने। वेस्टइंडीज ना तो कोई प्लान है और ना ही स्कीम है, ये एक प्योर बिजनेस है, पूर्ण व्यवसाय है ये। तो इसमें आगे क्या करना चाहिए, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती है उसमें अगर हमें सफलता प्राप्त करनी होती है तो हमें डुप्लीकेशन यानी कि नकल करना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन सभी भाव और व्यवहार से। वेस्टइंडीज में सक्सेस तभी मिलती है जब हम जो भी स्टेप्स हैं वो हम रिपीट करते हैं, हमारे टीम मेंबर्स भी उसको रिपीट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि हमने ये सिस्टम बनाया है तो आपको ही फॉलो करना है। जो अपलाइन खुद सिस्टम फॉलो नहीं करता और डाउनलाइन को बोलता है कि आप इस सिस्टम को फॉलो करो,
तो वो अपलाइन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें जैसे कि बताया गया है, पहला पॉइंट अगर देखेंगे कि सफलता के साथ सीढ़ियां, जैसे कि हम डेली जो काम करते हैं, जो मंडे इन वर्क करते हैं, जैसे कि नींद से जगना, फिर ब्रश करना, बाथरूम जाना, नहाना इत्यादि जो भी है, खाना वाना खाना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेगुलर करते हैं कि नहीं? जब हम कोई चीज रेगुलर करते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है हमें, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता। क्यों? क्यों हम उसके आदी बन जाते हैं। तो इसी तरह वेस्टिक्स के सिस्टम को भी हमें अपने डेली वर्क में इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो इसके जो 7 स्टेप्स है वो हम डिटेल में भी बात करेंगे, बट पहले हम लोग शॉर्ट पॉइंट्स में देख लेते हैं कि इसके 7 स्टेप्स क्या है। कंज्यूम प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। जो भी वेस्टिज के प्रोडक्ट आप खरीदते हो उसको आपको कंज्यूम भी करना है। जब आप कंज्यूम करोगे तो ही आप प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में और क्वालिटी के बारे में बता पाओगे। दूसरा है शेयर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस विद अदर्स, यानी प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताएं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो आपको लोगों को बताना है। अगर आप अपने तक रखोगे तो बिजनेस नहीं होगा वहां से। फिर है तीसरा, प्रिपेयर एन इनविटेशन लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट बनाइए। तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल में भी बात करेंगे अभी। चौथा है इनवाइट पीपल फ्रॉम द इनविटेशन लिस्ट। जो आपने तीसरे पॉइंट पे लिस्ट बनाया हुआ है उसमें हमें लोगों को एटलीस्ट डेली 3 लोगों को हमें निमंत्रण भेजना है, आमंत्रित करना है। नेक्स्ट स्टेप है कंडक्ट मीटिंग्स विद देम, यानी कि जिन लोगों ने आपका आमंत्रण स्वीकार किया है उनके साथ मीटिंग करना है। नेक्स्ट स्टेप है डू टीम वर्क एंड सपोर्ट योर टीम, यानी कि टीम वर्क करें और टीम के साथ मिलकर काम करें। जिन लोगों ने आपके मीटिंग को अटेंड किया हुआ है, आपके टीम को एक्सेप्ट किया हुआ है और उन्होंने आपके टीम में ज्वाइन कर लिए है वो, तो उनके साथ आपको टीम वर्क करना है और उनको ट्रेनिंग देना है। एज ए अपलाइन आपको उनको ट्रेनिंग देना है, एज ए डाउनलाइन आपको आपके अपलाइन के साथ बने रहना है, कॉन्टेक्ट में रहना है, ताकि वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। लास्ट में फॉलो अप विद योर टीम मेंबर्स एंड फॉलो योर अपलाइन, यानी कि टीम का फॉलो अप ले। टीम खाली आपके डाउनलाइन नहीं होते हैं, जो आपके अपलाइन होते हैं उनके साथ भी आपको फॉलो अप करना है कि आज कुछ नया है क्या, या बिजनेस में नया क्या है, नया प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में अगर आपके पास कोई मटेरियल है तो आप हमें शेयर कीजिए, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। याद रखिएगा बिजनेस में, स्पेशली वेस्टिज में, इसमें एक चीज जो हम फॉलो करते हैं वो है अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ आप पैसे। इस बिजनेस में जितनी जानकारी आपके पास रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा आपका बिजनेस। पहला कदम यानी कि कंज्यूम ऑल द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। एक प्रोडक्ट के बारे में जब हम कोई राय बनाते हैं या चॉइस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? अगर हमने वो प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया है तो क्या हम उसके क्वालिटी के बारे में बात कर पाएंगे? इसीलिए पहला पॉइंट जो बताता है कि जब आप प्रोडक्ट्स का उपयोग करेंगे तब आप स्वयं ही प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर विश्वास कर पाएंगे। दूसरी बात, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे जब आपको वो प्रोडक्ट पसंद आएगा तो सबसे बेहतरीन गवाह आप ही बन जाएंगे। आपको और कोई कन्विंस नहीं कर पाएगा कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पसंद आया। आपकी पसंद को एक ही जना चेंज कर सकता है, वो आप खुद। जब आप प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, अगर आपको पसंद आया तो आप ऑब्वियसली वो दूसरों को भी बताएंगे। जब आप दूसरों को बताएंगे यानी कि आप प्रोडक्ट का जो एक्सपीरियंस है वो आप दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मिलेंगे जो बिना प्रोडक्ट यूज किए वो बोलते हैं कि भाई आप भी यूज करो। इसके चलते क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन आता है उस प्रोडक्ट के बारे में तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको आंसर नहीं कर पाते, तो इसके चलते जो उनका बिजनेस है वो और डिले हो जाता है। क्यों? उनका डाउनलाइन उन पर भरोसा नहीं करता है कि भाई हमारे अपलाइन
वो खुद लगता है प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, वो खाली हमें बताते हैं, क्योंकि उनके पास वो जानकारी है नहीं जो हम हमें चाहिए। दूसरा कदम यानी कि शेयर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस विद अदर्स, प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताएं। तो सबसे पहला बात हमें क्या याद रखना है कि जब भी कोई हम प्रोडक्ट यूज करें तो उसको सही से यूज करें और उसके सही राय बनाएं। तो शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट वेस्टेज प्रोडक्ट्स विद अदर्स, यानी कि लोगों को बताएं कि आपने वेस्टेज प्रोडक्ट्स में क्या नया अनुभव किया है। नेक्स्ट पॉइंट है लोगों को बताएं कि भाई हमने ये प्रोडक्ट यूज किया, फॉर एग्जाम्पल कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्पिरुलिना खाता हूं, मैं जीटा टी पीता हूं, मैं घर का हर जरूरत का सामान वेस्टेज का उपयोग करता हूं। खाली बोलना भी नहीं है, आपको यूज भी करना है कि कल को कोई डाउनलाइन आपके घर आता है, वो देख रहा है कि आप जीटा टी की प्रमोशन कर रहे हो अपने डाउनलाइन को, और आप कोई दूसरे बाजार का अदर मार्केट ब्रांड्स का आप चाय पत्ती यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा? वो बोलेगा भाई ये हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप 100% वेस्टेज यूजर बने और लोगों को भी उसके बारे में बताएं कि हम भी 100% यूजर हैं, आप भी बन सकते हैं क्वालिटी। और उसके लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट कंज्यूम करना है। नेक्स्ट कि हम वेस्टेज प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो जब हम वेस्टेज प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसके बारे में जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आपको नोट करके रखना है, या जब आप उसको दोहराते रहेंगे तो आप खुद ब खुद उसको दोबारा बता पाएंगे। जितना ज्यादा आप इसका प्रमोशन करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। वेस्टेज प्रोडक्ट के बारे में बताते वक्त आप कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिए कि आप कोई चिकित्सक यानी कि डॉक्टर नहीं है, आप कभी भी किसी को मेडिकल एडवाइस नहीं देंगे, स्पेशली जो बीमार है। वो इसलिए क्योंकि जो वेस्टेज के जो प्रोडक्ट है वो मेडिसिन नहीं है, वो हेल्थ सप्लीमेंट है। मेडिसिन अगर होते हैं तो वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। हम लोग हेल्थ कंसल्टेंट्स हैं, हम वेस्टेज के क्वालिटीज के बारे में बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट जो हेल्थ सप्लीमेंट है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वो आपको जो भी बीमार है उनके लिए ही है, स्वस्थ लोगों के लिए भी है ये प्रोडक्ट। इसलिए ये आप प्रोडक्ट जो है हर किसी को आप रेकमेंड कर सकते हो। तो जैसा दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि वेस्टेज के जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ सप्लीमेंट्स है, राइट, जो कि एक हेल्दी डाइट के लिए जरूरी रहता है। नेक्स्ट, वेस्टेज हेल्थ सप्लीमेंट शुड बी शेयर्ड विद हेल्दी पीपल, ये नहीं कि खाली जो बीमार है उनके लिए, जो स्वस्थ है उनके साथ भी हम शेयर कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि वेस्टेज सप्लीमेंट मेडिसिन है तो आप गलत है, कुछ सप्लीमेंट मेडिसिन नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हुए तीसरे पॉइंट पे हम बढ़ते हैं जो लिस्ट बनाना। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई इनविटेशन लिस्ट बनाते हैं कभी भी ये मत सोचिए कि भाई हम उसको नहीं डालेंगे, इसको डालेंगे, वो शर्मा जी नहीं आएंगे, वर्मा जी आएंगे, ऐसा कभी ना सोचिए। इंसान जो है अपना डिसीशन जो है निर्णय जो है वो बदलते रहता है। इसमें आप नियम तीन का पालन करें, यानी कि रूल ऑफ थ्री, इनवाइट थ्री पीपल एवरी डे, यानी कि अगर आप डेली तीन जनों को इनवाइट करते हो, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे, बट डेली आप तीन जनों को इनवाइट करें। जिनको आप इनवाइट कर रहे हैं उनके साथ आप हमेशा कॉन्टेक्ट में रहिए। अगर वो आपको बोले कि हाँ वो मीटिंग में आने वाले हैं, तभी भी आप उनके साथ कॉन्टेक्ट में रहे। अगर वो बोले कि नहीं हम अभी नहीं आ पाएंगे, फिर भी आप उनके साथ कॉन्टेक्ट में रहे, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये आपका नेटवर्किंग का है, सोशलाइजिंग का है। उस बंदे को या किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो आपने उनको इनवाइट किया है आप उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, रिजेक्ट कर दिया हुआ, इसके चलते आपने उनके साथ जो कॉन्टेक्ट है वो बंद कर दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिजनेस ही है आपको नेटवर्किंग का, सोशलाइजिंग का, ओके। क्योंकि आपको पता नहीं है, आज मान लेते हैं कि मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया है या आपने मुझे कॉन्टेक्ट किया है, बट मैंने बोला कि नहीं मैं अभी यूज नहीं करूंगा, आप मुझे बाद में कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आपने मुझसे फॉलो अप करना बंद कर दिया तो क्या होगा,
कल को ये भी चांस हो सकता है कि कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर मुझे आके फॉलो अप करे और मैं तब एटलीस्ट एज ए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं प्रोडक्ट यूजर बन जाऊं, तो नेक्स्ट टाइम मैं किससे प्रोडक्ट ऑर्डर करूंगा, आपसे या जो बंदा मेरे साथ कॉन्टेक्ट में है उसके साथ। इसीलिए कॉन्टेक्ट हमेशा बनाए रखना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे कि इसमें आप किसी भी एक व्यक्ति के साथ आप चिपके ना रहे। अगर वो आपके साथ जुड़ना नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, आपके साथ कॉन्टेक्ट में रहे, बट बिजनेस की बातें हमेशा ना करें। आप उनको डायरेक्ट बताओ कि हाँ मैं अभी भी वेस्टीज में हूँ और मैं इसको अच्छे से कर रहा हूँ। कभी भी रुकना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है, यानी कि डू नॉट स्टॉप, मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड रिपीट। अगर कोई आपको नो बोलता है, नो का मतलब ना नहीं होता है, वो होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो उसके चलते अगर आपने किसी को बताया, वो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, हाँ या ना। 50% चांस है सक्सेस का, यानी कि हाँ का, और 50% चांस है ना का। तो इसमें अगर हम किसी को अप्रोच नहीं करेंगे, किसी को इनवाइट नहीं करेंगे या उनके साथ फॉलो अप नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली 100% हमारा फेलियर रेट रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये रखना चाहिए कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, यानी कि हमें आगे बढ़ते ही रहना है। तो जो भी इनविटेशन लिस्ट है आप कैसे याद रखेंगे? आप तो आइंस्टाइन है नहीं, या आपका मेमोरी पावर उतना है नहीं। आजकल जो लाइफ है इतना हेक्टिक हो चुका है, इतना बिजी हो चुका है कि हमको याद नहीं रहता कि भाई हमने सुबह क्या किया है। तो इसके चलते क्या करना है कि हमें कि यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया हुआ है कि मान लेते हैं किसी बंदे ने हमें बोला है कि आप मुझे ना 10 दिन बाद आप फॉलो अप करो। क्या आपको याद रहेगा कि एग्जैक्टली 10 दिन बाद, यानी कि आज अगर 17 तारीख है तो 27 तारीख को उनके साथ फॉलो अप करना है, कितने बजे? 6 बजे। क्या आप ये अगले 10 दिन तक याद रख पाओगे? अगर याद रख पाओगे तो अच्छा है, एक जने के लिए याद रख पाओगे, बस 10 जनों के लिए कौन से टाइम में क्या फॉलो अप करना है। तो इसके चलते आप क्या करोगे, आप ऐसा एक लिस्ट बनाओगे। अगर आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। तो सबसे पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है नेम, तीसरा है कॉन्टेक्ट नंबर, कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर, मीटिंग डेट और स्टेटस। तो सीरियल नंबर में आप सीरियल नंबर लिखो कि आपने ये सीरियल नंबर डाला हुआ है, एक नाम रखा हुआ है बप्पेदास गुप्ता, उनका कॉन्टेक्ट नंबर। तो जब आपने उनको अप्रोच किया हुआ है तो आपको क्या लगा कि हाँ वो एज अ कंज्यूमर यानी कि प्रोडक्ट यूजर या एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो खुद भी कंज्यूम करते हैं प्लस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी को जोड़े तो वो बिजनेस को आगे बढ़ाए, यानी कि अपना टीम वर्क करे। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जने ऐसे भी जुड़ेंगे जिनको खाली प्रोडक्ट से मतलब है। तो ऐसे कंज्यूमर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर महीने प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं, उनका डेली रिक्वायरमेंट। ये वेस्टेज बिजनेस ही है जो हमारा डेली यूज प्रोडक्ट को चेंज करना। फिर मीटिंग डेट, मीटिंग कितने तारीख को हुई और उसका स्टेटस। अगर स्टेटस में बोला गया कि ठीक है 10 दिन बाद फॉलो अप करना, कितने बजे फॉलो अप करना है, तो ये लिस्ट आपको रखना है एक डायरी में, ऐसा एक लिस्ट बना के रखिए। ये आपके लिए अच्छा रहता है, आपके दिमाग को भी ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। अब ये तो आपने लिस्ट बना लिया हुआ है, बट ये लिस्ट में से जब आप इनवाइट करोगे तो आगे इनविटेशन का है कि आपने लिस्ट बना लिया हुआ है, अगर उसने मीटिंग एक्सेप्ट किया हो तो कितने बजे कितने तारीख का आपको मिलना है, कितने समय को मिलना है, वो सब आप यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हो और नोट भी कर सकते हो। तो निमंत्रण के तरीके बहुत सारे हैं, बट हमें ये जानना चाहिए कि कैसे लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। जो 5C का फॉर्मूला है उसको याद रखें। पहला क्या है, कॉन्वर्सेशन, दूसरा है कमिटमेंट, तीसरा है क्यूरियोसिटी, चौथा है कंट्रोल और पांचवा है कमिटमेंट। तो पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है कॉन्वर्सेशन। बात करने से पहले एक मिनट रुकिएगा, बात करने से पहले ये याद रखें कि आज जिस तरीके से आप बात करते हो ओके, वो बताता है कि आप कैसे हो, राइट। और फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हो, अगर आप एवरी आपने बोल दिया हुआ कि गुड मॉर्निंग,
राइट, तो वो बंदा सोचेगा कि भाई ये जो भी बंदा आया हुआ है ये इतना सुस्त है, इसमें बॉडी में एनर्जी नहीं। बट वही चीज अगर आप किसी को ग्रीट करते हो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप, तो वो एनर्जी दर्शाता है कि भाई आप एक्टिवेटेड हो, एकदम हाईली एक्टिव बंदे हो। जो आप बात कर रहे हो उससे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप उस बात को कैसे दर्शाते हो। तो कॉन्वर्सेशन, बात करने के तरीके को इंप्रूव करना चाहिए। आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कि अगर आप अपने चेहरे पे एक स्माइल कैरी करें, हंस के बात करें, मुस्कुरा के बात करें, यानी कि भाई हमेशा हंसते रहिए ऐसा नहीं है, चेहरे पे आपके एक स्माइल होने चाहिए, तभी जाके वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाएगा। और कभी भी अगर आप किसी से बात करते हो, ये नहीं कि डायरेक्ट आप बिजनेस से संबंधित बात करें, इसके लिए आप फॉर्म जो टेक्निक है FORM उसका प्रयोग करें। तो पहला क्या है कि फॉर्म एफ, फैमिली के बारे में बात करें। किसी के चलते आपने कोई मीटिंग लिया हुआ है, डायरेक्ट आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई हाँ ये बिजनेस है, ऐसा प्लान है, प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, कभी ना करें। देखिए फॉर्म तरीका जो है वो बहुत ज्यादा कारगर है, वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं तो फैमिली के बारे में, फैमिली कैसा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हम उसके आगे जो स्टेप्स है यानी कि ऑक्यूपेशन, वो व्यवसाय क्या करते हैं या नौकरी क्या करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फैमिली में सब ठीक है, अभी चलो बताओ कि आपका ऑक्यूपेशन कैसा चल रहा है, नौकरी कैसा चल रहा है। तो वो बोलेगा कि नहीं भाई पैंडेमिक सिचुएशन है, लॉकडाउन शॉकडाउन ये सब चल रहा है, तो इसके चलते बहुत परेशानी हो रही है। फिर अब उनसे पूछोगे आर यानी कि रिलैक्सेशन, आप रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हो, फ्री टाइम में क्या करते हो, तो वो क्या बोलेगा, ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, अरे यार फ्री टाइम मिलता ही कहाँ है, कहीं पे घूमने भी नहीं जा सकते, पेंडेमिक है। फिर आप बोलोगे कि हाँ भाई रिलैक्सेशन में तो चलो ठीक है, हमें प्रॉब्लम्स आती रहती है, बट अगर आपको कोई भी सपना साकार करना है कि भाई हमें हेल्थ चाहिए, ये वेल्थ चाहिए, तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। उदाहरण के लिए हमें कहीं पे घूमने जाना है तो हम क्या करेंगे रिलैक्सेशन के लिए, हम अपना टाइम बचाएंगे, अपने छुट्टियां बचाएंगे और पैसे भी बचाएंगे, राइट। तो वो जो रिलैक्सेशन है उसके बाद हम उनको पूछेंगे कि भाई चलो ठीक है आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है या आपको घूमने जाना है, क्या आपके पास उतने पैसे हैं, पैसे वैसे आप इकट्ठे कर पा रहे हो। तो वो बंदा लास्ट में, चाहे बंदा कुछ भी काम करे, ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं कि हाँ हमारे पास काफी पैसे नहीं है। जब मनी की बात आती है तब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करो, वेस्टेज के बारे में बात करो। तो पहला हो गया कि हमारा कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, हमें उनके उनको उनके बारे में बड़ा चढ़ा के बोलना, बट ज्यादा भी नहीं। जब मौका मिले आप उनकी प्रशंसा करो, और प्रशंसा ऐसे भी करो जो कि सच हो। किसी मोटे इंसान को आप पतले बोल रहे हो ऐसा नहीं है। आप जब किसी को प्रेस करते हैं या उनके बारे में प्रशंसा करते हैं तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ता है, और उसके चलते वो आपके साथ मिलना स्टार्ट कर देते हैं, घुलना मिलना जो भी है वो स्टार्ट कर देते हैं। अभी सभी को प्रशंसा पसंद होती है। आप एक भी बंदा ऐसा बोल दो कि भाई इसने मुझे ऐसा अच्छा बोला हुआ है, और बोला कि नहीं इसने मुझे अच्छा बोला हुआ, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। किस तरह से आप प्रशंसा कर सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी आप राय देते हैं वो बहुत ही अच्छा रहता है, लोग आपको सुनते हैं और आपकी इज्जत करते हैं, आपकी बात मानते हैं, आप में लोगों को संदेह दूर करने का क्षमता है। यानी कि अगर आपको कोई अप्रोच करता है कि भाई गुप्ता जी मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गई है, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, वो अपनी राय ना लेके वो दूसरों की राय लेते हैं, तो इसमें आप भी इंक्लूड हो सकते हो। तो आप वैसे भी उनको बता सकते हो कि लोग जब आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं तो उसका सोल्यूशन आप प्रोवाइड करते हो, तो आज मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं ढूंढ रहा हूँ एक अच्छा टीम मेंबर और मैं चाहूंगा कि आप इसका सोल्यूशन दें। और आप जैसे इंसान हो, आप में सफलता प्राप्त करने की सारे गुण हैं, और प्लस जो भी आप बताते हो एकदम सोच समझ के बताते हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे टीम में आ जाओ। तो वो पूछेंगे भाई क्या है, किस बारे में बात करें, तब जाके आप आगे बात करोगे।
क्योंकि इसमें आपको जब आप तो ये बात करते हो तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई ये किस लिए बात करना चाहता है। ओके, और भी प्रशंसा करने के तरीके हैं, जैसे कि आप बहुत मेहनती हो, बट जो भी प्रशंसा आप करो एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि झूठी प्रशंसा कभी मत करो आप, क्योंकि उस बंदे को लग जाएगा कि भाई ये मेरी ये मुझसे झूठ बोल रहा है। अब अगला स्टेप है क्यूरियोसिटी। ये अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि पहला है इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, जो भी काम करें उसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। पहला कॉन्वर्सेशन, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट, कमिटमेंट नहीं है, यहां पे मैं आपको मार्कर से बता रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है दूसरा वाला, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो पांच जो तरीके हैं, पहला है कॉन्वर्सेशन, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट, तीसरा है क्यूरियोसिटी, चौथा है कंट्रोल, पांचवा है कमिटमेंट। तो हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर लिया हुआ है, अभी क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा, आपका टारगेट क्या है कि आप लोगों को कन्विंस कर पाए। तो आपका लक्ष्य है कि आप लोगों को मीटिंग में आने के लिए वचनबद्ध कर दें कि हाँ भाई हम आएंगे। तो तरीका क्या है कि पैशनेट अप्रोच यानी कि जोशीला अप्रोच। तो कैसे आप कर सकते हैं कि रमेश जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं ऐसे ही कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां पे लोग पैसे बहुत अच्छे तरीके से कमा सकते हैं और बिजनेस आइडिया भी अच्छा है, क्या इस बारे में हम लोग कोई भी एक टाइम सेट कर लेंगे, जैसे 6 बजे मिल सकते हैं जिसमें आप आपको मैं ये बता पाऊं। दूसरा है डायरेक्ट अप्रोच यानी कि सीधा अप्रोच कि रमेश मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है जहां पे लोग सक्सेसफुल होते हैं और मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करो, तो क्या हम इस संडे को 6 बजे मिल सकते हैं ताकि इस बारे में हम बात कर पाए। तीसरा है क्या आप किसी को जानते हैं यानी कि डू यू नो समवन। जब आप किसी को बोलते हो क्या आप किसी को जानते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रमेश को पूछा कि रमेश क्या आप किसी को जानते हो जो बिजनेस या पैसे कमाने के लिए राजी है, जो बिजनेस या पैसा करना चाहता है कि भाई हमें हमारे पास पैसे आए, तो रमेश भी सोचेगा इसने मुझसे क्यों पूछा है कि भाई क्या तुम किसी को जानते हो, ये तो डायरेक्ट मुझसे भी पूछ सकता था, तब वो पूछेगा कि भाई क्या है, तब आप उनको इनवाइट करो। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि जगह। तो आप क्या बता सकते हो कि रमेश मैंने एक हाल ही में बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है जहां पे बिजनेस जो स्टार्ट किया हुआ अलग अलग जगहों पे भी उपलब्ध है, बट मैं चाहूंगा कि हमारे एरिया में ये बिजनेस बढ़े, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ ये बिजनेस करने में, तो इस बारे में क्या हम मीट कर सकते हैं 6 बजे जो भी है टाइम आप सेट करो। और लास्ट वाला जो सुझाव, ये सुझाव देने वाला तरीका बहुत कारगर है, ये मेरे साथ भी ये काम करता है, और मैं खाली ग्रेसिव के बिजनेस में नहीं, अगर मुझे किसी का एडवाइस चाहिए ऑब्वियसली एडवाइस लेके ही आगे बढ़ना चाहिए, तो आई नीड योर एडवाइस। दोस्त मैंने एक व्यापार बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, शुरू किया हुआ है जहां पे मुझे आपकी राय चाहिए, लोग चाहे कुछ दे ना दे राय जरूर देंगे आपको, तो आप बोलोगे कि भाई क्या इस संडे को या सैटरडे को हम लोग मिल सकते हैं क्या 6 बजे। नेक्स्ट है कंट्रोल। याद रखिएगा कि ये जो कंट्रोल टेक्निक है, चाहे आपका कितना भी एनर्जी हो उसको कंट्रोल में रखें। जो आपके प्रोस्पेक्ट है वो फोन पे ही अगर आपने उनको इनवाइट किया हुआ है तो वो हमेशा ये ट्राई करेंगे कि वो बात निकाले आपसे कि मीटिंग किस बारे में है। ज्यादातर क्या होता है कि अगर आपने बिजनेस के बारे में फोन में ही बताया हुआ है तो जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आता है, तो इसलिए आप खुद पे कंट्रोल रखें। तो कंट्रोल कैसे रखना है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि मीटिंग का एजेंडा क्या है, आपको क्या रिप्लाई करना है कि भाई जितने भी आपके सवाल है ये मीटिंग में हम बताएंगे, आप बस मीटिंग में आ जाइए, मीटिंग उसी के लिए आ गया हुआ है। मीटिंग में एक्सपर्ट्स भी रहेंगे जो आप अपने अपलाइन का सपोर्ट भी ले सकते हो उसमें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको आंसर दिया जाएगा। आपसे ज्यादा नहीं 1 घंटे का समय चाहिए, आप बस आ जाइए।
ओके। नंबर पांचवा है कमिटमेंट। आपने किसी को मीटिंग पे इनवाइट किया हुआ है ओके, और आप ही देरी से पहुंच गए वहां पे, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। डिसाइडिंग मीटिंग टाइम, यानी कि मीटिंग टाइम एक डिसाइड करना है और आपको ये अश्योर करना है और एकदम सही से इंश्योर भी करना है कि आप उस मीटिंग में एटलीस्ट 5 मिनट पहले जो भी डिसाइडेड टाइम है उसमें आप जिसको भी आपने इनवाइट किया हो उससे पहले पहुंच जाए, ताकि वो बंदा जब आए तो उसको भी लगे कि हाँ भाई ये बंदा अपने बिजनेस या बात को लेके बहुत ही कमिटेड है। आगे बढ़ते हुए मीटिंग, पांचवा कदम जो है वो हम मीटिंग के बारे में बात करते हैं। तो मीटिंग जब भी करेंगे तो मीटिंग का एक तरीका होता है कि जब भी आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस वो जो जगह है वो आप सही जगह पे चुने कि भाई वेल लाइटेड होना चाहिए। अगर आप घर में भी कर रहे हैं तो घर में भी ऐसे जगह पे आप सेट करें मीटिंग जहां पे आपके प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हो या बिजनेस स्टार्टर किट जो भी है लग्जरी कार बुक या कार बुक वो उस रूम में रखा हुआ है। आपको सही तरीके से ड्रेस करना है कि नहीं भाई कोई मीटिंग में आया हुआ है आपके घर में, आप ऐसे बरमूडा में बैठ गए हो या हाफ पैंट में बैठ गए, ऐसा नहीं। आप आराम से एक नीट ड्रेस में वेल ड्रेस आप रहोगे और कॉन्फिडेंस के साथ आप उनको इनवाइट करोगे और एक्सेप्ट करोगे जब वो आएंगे। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग ज्वाइनिंग फॉर्म एप्लीकेशन पेन पेपर प्रोडक्ट सैंपल्स ये सब रहे। मीटिंग के दौरान जब भी आप शुरुआत करें तो गुड मॉर्निंग से करें। मॉर्निंग क्या होता है, मॉर्निंग किसे कहते हैं, जब हम जागते हैं तो उसी वक्त हम किसी को भी बाय डिफॉल्ट हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। तो कभी भी कोई भी मीटिंग स्टार्ट करें तो गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करें क्योंकि वेस्टिज एक नई शुरुआत है। बी एक्साइटेड इन द मीटिंग, यानी कि मीटिंग में आपको एनर्जेटिक रहना है और प्रॉस्पेक्ट के साथ जो भी आपका मीटिंग सेट करता है उसके साथ आपको बने रहना है। पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, मीटिंग में आपको पूर्ण तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेशन मैं बताता हूं कि कैसे करना है। आप मान लेते हैं कि अभी पेंडेमिक सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप अपने लैपटॉप या आपके मोबाइल में आप बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं। ये नहीं कि आपने उनको बिजनेस प्लान दिखा दिया हुआ है कि हाँ ये यूट्यूब वीडियो है आप देखिए मैं थोड़ा सा फोन में बात करके आता हूं, ऐसा नहीं। जब आपके प्रोस्पेक्ट आपने उनको वेस्टिज प्लान के बारे में आपने वीडियो जो वीआईपी है या सीएनटी प्लान जो है वो आप दिखा रहे हो मोबाइल पे ही, तो आप खुद भी जीरो हो गए, यानी कि जीरो यानी कि जैसे कि आपको खुद भी नहीं पता है बिजनेस, तो आप उनके जगह पे आप खुद को रख के आप खुद भी वो वीडियो देखेंगे ताकि जो भी प्रोस्पेक्ट आए उनको आपका पार्टिसिपेशन दिखे। और मीटिंग के बाद आपको क्या करना है, आपको उनको मीटिंग कैसा रहा उसके बारे में आपको फीडबैक लेना है, उनको पूछना है कि आपको प्रोडक्ट पसंद आया या बिजनेस प्लान या दोनों पसंद आया है। आप अपने अपलाइन को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बाकी अपने टीम मेंबर्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन कैसे करना है कि आप अपने व्हाट्सएप में भी दिखा सकते हो या अगर आपका कोई चैटिंग है, और अगर मान लेते हैं कि कोई कॉन्फ्रेंस कॉल है तो कॉन्फ्रेंस कॉल में आप अपने अपलाइन से बात भी करवा सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो मीटिंग के दौरान आपने पूरा बिजनेस समझाया हुआ फिर भी उनका डाउट क्लियर नहीं हुआ, उस वक्त आप क्या करोगे, आप उनको ऑफर करोगे आपके अगर कुछ भी क्वेश्चन है छोटा से छोटा भी डाउट है तो हम आज उसको क्लैरिफाई करा सकते हैं, जो कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया हुआ है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप कोई क्वेश्चन लेके अपने दिमाग में घर जाए, इसीलिए मैं चाहूंगा कि 5 या 10 मिनट के लिए आप मेरे अपलाइन से बात करें और जो भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में आता है इस बिजनेस को लेके स्टार्ट करने से पहले तो आप उनसे क्लैरिफाई करा सकते हैं। तो आप अपने अपलाइन से पहले ही बात करके रखो कि हाँ सर हमारे इतने बजे मीटिंग है तो आप प्लीज अवेलेबल रहिएगा, तो ऑब्वियसली वो अपलाइन श्योरली आपको हेल्प करेगा। छठा स्टेप है कि टीम वर्क करना है। जब भी आप कोई टीम बनाते हो बिना टीम वर्क के वो आगे नहीं बढ़ेगा। आपका जो सक्सेस है वो आपके टीम के सक्सेस पे ही डिपेंड करता है। वेस्टिज बिजनेस ऐसा है कि इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस, यानी कि आपके जीत में हमारी जीत है। जब तक आप अपने डाउनलाइन को हेल्प नहीं करेंगे, हेल्प मतलब उनको सही से ट्रेन करना है बिजनेस कैसे करना है,
अगर आप उनको रास्ता नहीं दिखाओगे, ये बिजनेस खाली जोड़ने का नहीं है, ये बिजनेस है टीम वर्क का है। आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे नेटवर्क ऑफ होटल्स है, नेटवर्क ऑफ स्कूल्स है, आपको एक नेटवर्क ऑफ रिलेशन बनाना है। और रिलेशन कैसे बनता है, जब आप उनको अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हो, उनको अच्छा टीम वर्क प्रोवाइड करते हो, तो टीम वर्क पे ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा। जब भी अगर उनका कोई डाउट रहता है तो आप उनको डाउट्स आप बोलो कि आप क्वेश्चंस मुझे दो, मैं आपको आंसर दूंगा। मान लेते हैं कि कोई ऑनलाइन ने आपने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, अगर आपके पास वो जानकारी है तो आप तुरंत प्रोवाइड कर दीजिए, अदरवाइज आप बोलिएगा ठीक है आप रुकिए मैं बंदोबस्त करके देता हूँ। उस वक्त आप क्या करोगे, आप अपने अपलाइन से फॉलो अप करोगे कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, मुझे अपने डाउनलाइन को बताना है। इसीलिए मैंने जो स्टार्ट मीटिंग के स्टार्ट में मैंने बताया हुआ था कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। लास्ट स्टेप जो हमें फॉलो करना होता है वो है फॉलो अप, अपने टीम के साथ फॉलो अप। जिन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, टीम मेंबर बन चुके हैं, तो उनके साथ फॉलो अप करना है। जिन्होंने हमारा टीम नहीं जुड़ा, जो अभी तक जिन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, तो उनके साथ भी फॉलो अप करना है। क्योंकि जो मीटिंग लिस्ट यानी कि जो हमने इनविटेशन लिस्ट बनाया जो हुआ था, उसमें हो सकता है कि किसी ने बताया होगा कि भाई हमें 10 दिन बाद फॉलो अप करो, यानी कि वो अब तक नहीं जुड़े हैं, तो उनके साथ हमें फॉलो अप भी करना है 10 दिन बाद। तो इसलिए सातवां स्टेप जो है फॉलो अप करना है। और लास्ट जो है फॉलो अप का एक और है कि आप अपने अपलाइन के साथ भी फॉलो अप करो कि नया क्या है, डाउनलाइन के साथ भी फॉलो अप करो, जो जुड़े हैं उनके साथ, जो नहीं जुड़े हैं उनके साथ, और अपने अपलाइन के साथ, यानी कि फॉलो करो और अप जाओ, फॉलो अप एंड गो अप।